यहाँ पर हमारा फ्री फायर प्ले स्टोर के ऊपर आ चुका है, जो कि है फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल। अभी ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर दो ऑप्शन अपन को मिल रहे हैं। एक में बोल रहा है पे 1000 रुपीज और दूसरे में बोल रहा है अपलोड योर आधार कार्ड। अबे मतलब मैं अगर आधार कार्ड अपलोड नहीं करता तो मेरे को 1000 रुपए देना पड़ेंगे? तो सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। ये क्या मजाक है भाई, फ्री फायर वालों ने तो आता से ही शुरू कर दी। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड को अपलोड कर दिया और हमारा गेम स्टार्ट होने लग गया है। लेट्स गो। एंड वेट, ये क्या भाई, फ्री फायर वालों को अब जियो ने बनाया है। ये बढ़िया है भाई, पार्टनरशिप तो अच्छी कंपनी के साथ करिए। चलो जरूर कुछ ना कुछ तो फ्री में मिलने वाला है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। यहाँ पर हमारे गेम स्टार्ट होते हुए, गेम खेलने के लिए सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल्स डालें। अब ये आंटी जी क्या बोल रही है भाई, गेम को खेलने के लिए मेरे को बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा मेरा फ्री फायर के अंदर। और यहाँ पर ऑप्शंस तो देखो भाई, UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब कुछ है। बिटकॉइन तक दे रखा भाई लोगों ने। कुछ तरीका है भीख मांगने का? गेम तो मेरे को खेलना ही है, तो ये सब भी करना ही पड़ेगा। चलो लोडिंग आ गई, लेट्स गो, हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है। अपनी लेटेस्ट मार्कशीट अपलोड करें, नहीं तो निकल ले। What the hell यार, फिर से? अब ये आंटी जी मार्कशीट अपलोड करने को क्यों बोल रही है? मार्कशीट क्यों अपलोड करना है मुझे? हद मचा रखी है यार, ये क्या चीज़ अपलोड करो वो अपलोड करो। क्या कर रहे है यार तू, मजाक है क्या? तो मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया, फाइनली हमारा गेम स्टार्ट हो गया। और ये देखो हमारे गेम की लॉबी कितनी मस्त है। तुम लोगों को पता होगा कि अभी अभी हमारा चंद्रयान मिशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ था, तो उसी खुशी में फ्री फायर वालों ने हमारी लॉबी को ही चेंज कर दिया, और वो भी इतनी मस्त लॉबी डाली है भाई, कसम से बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना जरा कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत सही लगी, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब जरा और भी चीजें एक्सप्लोर करते हैं। एंड वेट, यहाँ पर गाइस एक बटन मुझे देखने को मिल रहा है, बाय टाइम। अब ये क्या चीज है, बाय टाइम क्या मतलब, क्या टाइम खरीद हूँ मैं यहाँ पर? चलो क्लिक करके देखता हूँ। आप यहाँ से और गेम खेलने का टाइम खरीद सकते हो। ये क्या है, ये क्या मजाक हो रहा है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। अब अपन को गेम खेलने के लिए अपना टाइम खरीदना पड़ेगा, जो कि कीमत देखो भाई उसकी, 1 घंटा गेम खेलने के लिए अपन को 500 रुपए पे करना पड़ेंगे, और 6 घंटा गेम खेलने के 2000 रुपए। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। 24 घंटे के तो देखो यार 8000। भाई मैं सही में पागल हो जाऊंगा, ये फ्री फायर वाले कर क्या रहे हैं? एक तो गेम में लिमिट डाल दी और एक्स्ट्रा टाइम खरीदने के इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अपन को 6 घंटे तो मिल रहे ना, वही बहुत है भाई, इससे ज्यादा मैं कभी नहीं खरीदूंगा। दिक्कत तो भाई रैंक पुश करने वालों को होने वाली है। एंड चलो एक काम करते हैं, अपन वो टॉप अप वाला सेक्शन भी जरा एक्सप्लोर करके देखे जरा क्या क्या चीजें लाई है। एंड ये आ गया मैं टॉप अप वाले सेक्शन में। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। और ये क्या, वेट, यहाँ पे प्राइसिंग तो एकदम नॉर्मल रख रखी है इन लोगों ने, 80 रुपए के 100 डायमंड। अभी ये तो वही पुरानी वाली अपन को मिल रही है सारी की सारी प्राइसिंग। बट यहाँ पर ना एक बटन और ऐड हुआ है, ये देखो टॉप अप योजना। अब ये क्या नई चीज आई है, एक काम करते हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करके देखता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक, एंड यहाँ पर एक नई विंडो आ गई जिसमें लिखा फ्री डायमंड। ओ माय गॉड भाई साहब, यहाँ पे अपन को फ्री डायमंड मिल रहे हैं, और ये फ्री डायमंड देखो तो सही। नहीं मैं नहीं मानता, पास होने पे 500 डायमंड, 60% से ऊपर आने पे 1000 डायमंड, और 75 ऊपर आने से 5000 डायमंड, और 95% से ऊपर आ गए तो 10000 डायमंड मिलने वाले। अब मैं समझा भाई लोगों ने अपनी मार्कशीट क्यों इंटर करवाई थी। बट वेट, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही डायमंड है, मतलब मेरे को तो कोई डायमंड ही नहीं मिले। क्या मतलब है कि मैं पिछले एग्जाम में फेल हो गया था, इसलिए शायद मुझे नहीं मिले होंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है यार, अगली बार मेहनत कर लूंगा मैं। एंड गाइस यार, तुमको पता होगा कि यार हमारे गेम के अंदर ना एमएस धोनी कैरेक्टर आने वाला था, तो चलो जरा चल के देखे तो सही कैसा क्या एमएस धोनी कैरेक्टर है, एंड एबिलिटी वगैरह भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। एंड वेट भाई, क्या मस्त लग रहा है ये कैरेक्टर। एंड इसके आवाज तो सुन के देखे जरा, रुको रुको कैरेक्टर की आवाज सुनते है। बीच रास्ते पे कपड़े निकाल के ना तेरी हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा। अबे ये क्या है, अबे ये आवाज तो बहुत ही ज्यादा फनी है भाई साहब। और एबिलिटी क्या है, जरा एबिलिटी देखे। तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि भैया अपन को रिवाइव की जरूरत नहीं पड़ी अगर अपन नॉकआउट होते, तो भाई ये तो गजब है। और भाई ये चीज देन के ना, अब देखो तुम्हारा भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में किंग बनेगा किंग। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। सो गाइस यार, चलो ये सब तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। अब अपन एक चीज और देख लेते हैं, जरा गेम प्ले करके भी तो देखे गेम के अंदर क्या क्या चीजें आई है।
तो चलो गाइस गेम को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वेट, ये आवाज कैसी आई थी यार, अजीब सी। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ऐसे कटने की आवाज सी लगी मेरे को, तो पता नहीं क्या चीज है। तो चलो गाइस यहाँ पर हमारा प्लेन आ चुका है और ये मैंने कर ली लैंडिंग। माय गॉड भाई, मैं एकदम सुनसान जगह में उतरूंगा अगर मैं इधर उधर उतरा ना तो। भाई मेरे को तो कुत्ते की मौत मारेंगे लोग, इसलिए चुपके से ना साइड में उतरते हैं। एंड यहाँ पर मैं साइड में उतर गया। भाई यहाँ पर तो कुछ लूट ही नहीं है। चलो टावर पे देखते हैं, टावर पे कुछ मिल जाए। यहाँ टावर भी पूरा खाली पड़ा है। एंड भाई बोर्ड पे क्या हुआ है? अबे बोर्ड पे मोदी जी बने हुए यार, और लिखा हुआ देखो अनबैन। भाई यार ये चीज तो बड़ी मस्त है। एंड गाइस वो देखो यहाँ पर गाड़ी है, जल्दी से गाड़ी के पास चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस न होने के कारण तुम गाड़ी नहीं चला सकते। भाई मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अबे ये क्या मजाक है भाई साहब, हद है यार, ये क्या हो रहा है? ये गलत है भाई, देखो ये गलत है, ये मैं मानता हूँ ये गलत है। अब मेरे को यहाँ से वहाँ तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब चलना तो पड़ेगा ही ना। चलो फटाफट से गन उठाते हैं। लूट करने के आपको 50 रूपए अलग देना होंगे। अब ये क्या मजाक है भाई, गन उठाने के 50 रूपए मांग रहे हैं? तो भाई एक काम करता हूँ, मेरी जायदाद लिख के दे देता हूँ तुम लोगों को। यार ये क्या मजाक हो रहा है? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। चलो ठीक है भाई, गन तो उठा ली। अब सामने बंदे को ढूंढते हैं। पहली बात तो बंदा किधर है? कहीं मेरे को बंदा दिख गया। अरे ये तो मार भी रहा है। अबे तेरी ऐसी किसी से रुकना भाई, इतनी क्यों मार रहा है? रुक जा अभी तेको बताता हूँ। रुक जा साले नूबड़े, ये गन में से गोली इतनी धीरे धीरे निकल रही है भाई, कसम से क्या सड़ी गल है। मैं मार दूंगा इजी पीसी। अबे मर गया यार, शिट यार। तुम्हारे नूब गेम प्ले की वजह से तुम्हें बैन किया जाता है। भाई मेरे नूब गेम प्ले की वजह से मेरे को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया? आपके बैंक से 1500 रूपए निकाले जाते हैं। अब ये 1500 रूपए किस बात के काट लिए मेरे बैंक अकाउंट से? अबे क्या हो रहा है ये? गेम चार्जेस 1000 रूपए? अबे ये चीज ने मेरे को पहले क्यों नहीं बोली? मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, मैं जा रहा हूँ, मेरे को खेलना ही नहीं है भाई ये गेम, मेरे को लूट लेगा ये।